लोग आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से नमक और हल्दी मिक्स मैंने कर लिया है और इसको अब उबालूंगा मैं। भाई लोग मैंने चावल को उतार लिया है और अब इस अंडे को मैं फ्राई करूंगा थोड़ा सा। तो भाई लोग अब ये मैं निकाल लेता हूँ। भाई लोग इसको मैं करीब 5 मिनट और अच्छे से भूनता हूँ। हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। दोस्तों अभी मैं ड्यूटी करके आ गया हूँ और साथ ही आज मैं बनाने वाला हूँ अंडा पनीर। 2 अंडा है और आज मैं अंडा पनीर बनाऊंगा। तो कैसे बनाया जाता है मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो भाई वर्कर लाइफ है, आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कोई नहीं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना कुकिंग ब्लॉगिंग। भाई लोग ये अंडा है और इस अंडे को फोड़ कर मैं इस पन्नी में डालूँगा। तो भाई लोग आप देख सकते हैं कि मैंने अंडे को पन्नी में फोड़ दिया है और इसको पन्नी को अब बांध के और मैं उबालूँगा। लोग अंडा पनीर बनाना बहुत आसान है, तो आप आगे बने रहें, प्रोसेस मैं बताता हूँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। भाई लोग प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो मैंने अंडे को फोड़ कर और अच्छे से मिक्स मैंने कर लिया है और इसमें मैं अब डालूँगा थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक डालूँगा। तो देख रहे हैं ना, मैंने थोड़ा सा हल्दी इसमें डाल लिया और इसमें थोड़ा सा अब मैं नमक ऐड करता हूँ ताकि अंडे में एकदम से मिक्स हो जाए नमक। ये लोग आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से नमक और हल्दी मिक्स मैंने कर लिया है और इसको अब उबालूंगा मैं। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने भगोना अपना रख लिया है, उसमें गर्म पानी मैं थोड़ा सा कर रखा है और इसमें अब मैं डाल दूंगा और ये करीब 5 मिनट के अंदर में हमारा अच्छे से अंडा उबल जाएगा। तब तक के लिए इसको ढक देता हूँ। जब तक मेरा भाई अंडे उबल रहा है तब तक मैं लहसुन प्याज और मिर्च काट लेता हूँ। तो भाई जल्दी से काटते हैं क्योंकि भूख लगा है बहुत तेज। भाई 12 घंटे ड्यूटी करके आया हूँ और भूख बहुत तेज लग जाता है, समझे ना मेरे भाई। इसीलिए बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, हमें सपोर्ट करो, थोड़ा सा अपना आशीर्वाद दो अगर आप ब्लॉग को देख रहे हो तो। लोग आप देख सकते हैं कि मैंने एक मिर्च और लहसुन 2-4 कली और एक प्याज लिया है और एक टमाटर लिया है जो कि इनको अब काटूंगा मैं अच्छे से। लोग ये वर्कर लाइफ ना गजब की होती है, 12-12 घंटे काम करे के आओ, फिर खाना बनाओ, फिर कपड़े धो, फिर सुबह जगो, बहुत प्रॉब्लम होता है भाई। इसीलिए तो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद दो ताकि मैं यार अपने लाइफ में कुछ अच्छे से कुछ अच्छा काम कर पाऊँ आप लोगों के लिए। कोई नहीं दोस्तों, इसको पहले काट लेते हैं उसके बाद फिर आप लोगों से बात करते हैं। तो हमने प्याज को अच्छे से मतलब काट लिया है और महीन कर लिया है और इधर हमारा जो अंडा है भी है ये भी अच्छे से उबल चुका है और इसको अब बाहर निकालते हैं भाई लोग। भाई लोग आप देख सकते हैं कि मैंने अपना जो अंडा था वो कितना अच्छा उबल चुका है और मैंने निकाल दिया है, एकदम पनीर की तरह लग रहा है और काटूंगा इसको। तब तक भाई लोग चावल बैठा लेता हूँ क्योंकि जब तक इसको मैं काटूँगा तब तक मेरा चावल हो जाएगा। कोई नहीं भाई लोग, फटाक से हम चावल बैठाते हैं, उसके बाद फिर उसको काटेंगे अंडे को, फिर बनाएंगे उसका पनीर, अंडा पनीर बोले तो। फाइनली भाई लोग हमने अपना चावल बैठा लिया है और तब तक इसको मैं काट लेता हूँ अच्छे से। तो भाई लोग हमारा जो चावल है वो हो चुका है और अब हम कढ़ाई बैठाएंगे और बनाएंगे अंडा। भाई लोग मैंने चावल को उतार लिया है और अब इस अंडे को मैं फ्राई करूँगा थोड़ा सा। फ्राई करने से थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आता है, तो कोई नहीं दोस्तों इसको फ्राई करते हैं जल्दी से। तो भाई लोग ये रहा वायल मेरा जो कि फॉर्च्यून का वायल है और इसमें थोड़ा सा मैं डालता हूँ जितनी की मुझे ज़रूरत है, तो इतना में मेरा काम चल जाएगा। अब इसमें मैं डालता हूँ अपना अंडा क्योंकि ये मेरा हीट हो चुका है। बिल्कुल भाई जैसे आप पनीर बनाते हैं वैसे ही सेम इसका प्रोसेस है। भाई लोग इसको हम डालते हैं कढ़ाई के अंदर ऐसे, जैसे हम पनीर को उबालते हैं थोड़ा सा वैसे ही इसको भी उबालना है, सेम वैसे ही प्रोसेस है क्योंकि इससे टेस्टी थोड़ा आता है हमारा। वैसे बनाएंगे ना तो मज़ा नहीं आता है भाई लोग, आप लोग ऐसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा अगर आपको बनाने नहीं आता है तो। भाई लोग आप देख सकते हैं कि हमारी अंडे पे एकदम से गोल्डन कलर आ गया है और इसको अब हम निकालते हैं। मस्त हमारा अंडा फ्राई हो चुका है। लोग थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन मस्त बनता है, ऐसे आप कभी बना के खाइएगा मस्त लगता है। अगर आपको नहीं बनाने आता है तो आप अपनी वाइफ से बनवा के खाइएगा, ज़बरदस्त लगता है। क्योंकि मैं यहाँ पे आता हूँ
तो मैं खुद बनाकर कई बार खाता रहता हूँ। तो भाई लोग अब ये मैं निकाल लेता हूँ। भाई लोग इसी तेल में हम क्या करेंगे कि अपना मिर्च डालेंगे और प्याज डालेंगे, क्योंकि इसमें तेल है और तेल हमारा हो जाएगा। हल्का सा एकदम से डाल लेता हूँ, बिल्कुल ज़रा सा बस, क्योंकि भाई लोग पहले से ही तेल है इसमें। भाई लोग अब मैंने इसमें प्याज व्याज अपना जो काटा था वो डाल दिया है, और इसमें भी थोड़ा गोल्डन कलर आ जाएगा। फिर इसमें मैं MDH का जो मसाला है वो डालूँगा। बस एक मिनट में ये हो जाएगा हमारा ब्राउन कलर। लोग आप देख सकते हैं कि प्याज एकदम हमारा गोल्डन कलर आ गया है। और अब भाई लोग इसमें हम डाल देते हैं ये जो मसाला है, मैंने कल बनाया था सुबह में, आधे मैंने इस्तेमाल कर लिया है और आधे है, तो इसको मैं यूज कर लेता हूँ अभी। और इसमें मैंने मसाले डाल लिया, और अब इसमें मैं डालूँगा हल्दी। लोग यहाँ से मैंने हल्दी इसमें डाल लिया है, आप देख सकते हैं। और इसको अब मैं थोड़ा चला लेता हूँ ऐसे, और अब मसाले को अच्छे से 5 मिनट मैं भून लेता हूँ। तो भाई लोग अब मसाला हमारा भून चुका है अच्छे से, आप देख सकते हैं। और इसमें मैं अब थोड़ा, मैंने टमाटर एक काट के रखा था, तो अब इसमें टमाटर ऐड कर लेता हूँ। और अब इसमें भाई लोग थोड़ा नमक मैं अपना ऐड कर लेता हूँ, जो कि मेरा नमक ये है, आप अपने स्वादानुसार नमक ऐड कर सकते हैं। भाई लोग इसको मैं करीब 5 मिनट और अच्छे से भूनता हूँ। तो भाई लोग मैंने इसको अच्छे से भून लिया है, आप देख सकते हैं। और अब इसमें मैं डालूँगा थोड़ा सा वाटर। भाई लोग मैंने सब पानी वानी नमक वमक जो भी मसाले वसाले सब मैंने ऐड कर दिया है। और अब इसमें मैं लास्ट में डालता हूँ अपना अंडा जो कि मैंने फ्राई किया है, तो इसको डाल लेते हैं। और अब मेरा 5 मिनट के अंदर में मेरा अंडा तैयार हो जाएगा। भाई लोग इसको 5 मिनट के लिए ना मैं इस तसले से मैं इसको ढक देता हूँ, और मेरा 5 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा, फिर उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। तो भाई लोग आप देख सकते हैं कि मेरा अंडा पनीर बन चुका है, और इधर मैंने अपना गैस वैस बंद कर दिया है। और भाई लोग अब भूख लगा है बहुत तेज़, और प्लेट लगाते हैं जल्दी से। अगर भाई लोग मेरा चावल जो कि मैं पहले बना लिया था और एकदम गर्मा गर्म खाना है, तो कोई नहीं भाई लोग खाना निकालते हैं। भाई लोग मैंने थाली लगा लिया है, और अब चलते हैं खाना खाने। और देख रहे हैं ना कितना ज़बरदस्त, दिखने में जब अच्छा लग रहा है तो खाने में कितना अच्छा लगेगा। तो भाई लोग मेरा तो खाना बन चुका है, आप भी खा लीजिए। चेस है आप सभी मेरे फैमिली सब्सक्राइबर लोगों को। तो कोई नहीं दोस्तों, इसको हम खाना खा लेते हैं। और भाई आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके बताइएगा। और हमारे चैनल पे नए हैं भाई लोग, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आप लोगों तक पहुंच सके। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, राधे राधे।